गणपती बाप्पा मोरया, आपण आता जो साचा टाकला मातीचा, पीओपी का जो हमने अभी डाय डाला पीओपी से, इसमें अभी हम ये जो शाडू की मिट्टी है, अभी मेरे पास जो हम पॉट क्ले जो हमारे घर में पेड़ लगाते हैं उस क्ले से, वो क्ले अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी उसकी मूर्ति हमने बनाई थी जिसका हमने डाय बनाया, तो हम उसी डाय हमने जो डाय बनाया था पीओपी का उसमें से मूर्ति कैसे निकालनी है ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये जैसे मूर्ति निकलेगी तो उसको हाथ सुन और ऑर्नामेंट्स नहीं रहेंगे जो हम बाद में जाके बनाएंगे, जो मैंने पहले भी बोला था कि इस मूर्ति को अगर हमें ऑर्नामेंट डालने हैं तो हम शिल्पकार से बना सकते हैं, जो हम हर साल विसर्जन नहीं करेंगे उसको निकालेंगे पहनाएंगे, ऐसे ऑर्नामेंट्स अगर हम लोगों ने बनाए तो और ज़्यादा ये नहीं नेचुरल हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि कैसे मटकी अंदर लगानी है, ये मूर्ति जो निकलेगी वो बहुत रफ रहेगी जो हम बाद में जाके उसको फिनिश करेंगे, यानी सोन लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, आँख अच्छी करेंगे, उसमें जो कपड़ा है वो कपड़े को शेप देंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाद में करनी पड़ती है। जैसे दो मट्टी जहाँ पे मैंने रखी है उसको अच्छे से दबाना है, नहीं तो बराबर से टाय नहीं आता है। अभी ये पहली मूर्ति ही जैसे हम लोग ने आज नया डाय डाला है, सोचा आज के आज ही उसका मैं आपको एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दे दूँ, इसके लिए मैं फिर से लाइव आया हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती भी है तो उसको हम बाद में सॉल्व करके इसका फिर से एक लाइव वीडियो में शायद डालूँगा, और ये मूर्ति अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इसको फिनिश करने का भी एक वीडियो डालूँगा कि मूर्ति निकलने के बाद हम इसको फिनिश कैसे करेंगे। ये वीडियो शायद हम कल डालेंगे, ये जो इससे मूर्ति निकलेगी उसको फिनिश करने के बाद वो कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या काम हम और कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे अच्छे से दबा रहा हूँ, ये दबाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, अगर इसको अच्छे से नहीं दबाते हो तो शायद मूर्ति में फिनिशिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ये मट्टी कैसी है देख लो आप, एकदम सॉफ्ट,
एक डाय मैंने भर दिया है, दूसरी डाय भर दी है। ये जैसे भी बाहर आएगी उसको फिनिश कैसा किया जाएगा ये कल हम 4 बजे फिर से लाइव आ जाएंगे। अगर मैं फेसबुक पे दिख पाया आपको तो मैं 4 बजे तो ये करने ही वाला हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका वीडियो भेजूँगा, क्योंकि बहुत बार मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ तो लाइव नहीं आ पाता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर मैं लाइव नहीं आ सका तो इसका वीडियो डालूंगा, तो वीडियो आप देख लीजिए। अब ये दूसरा पीस मैंने भर दिया है। अभी इसमें पहले से जो लाल मिट्टी लगी हुई है, जो साचा को चिपकी हुई है, तो पहला हम इसमें से पीस जो निकालेंगे शायद उसके साथ वो लाल मिट्टी आ सकती है। अगर वो आती है तो हम उसको फिनिश करेंगे। फिनिशिंग करते समय वो तो आपको सब सीखने को मिलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे हम शाडू की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो शाडू की मिट्टी के ऊपर भी हम डाय डाल सकते हैं, लेकिन कौन से मूर्ति, वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए इसका थोड़ा अलग अभ्यास रहता है। किसी भी मूर्ति के ऊपर पीओपी का डाय नहीं गिरता। जिस मूर्ति को अंडर कट ज़्यादा है, यानी हाथ पैर सूंड एक साथ है, तो वो पीओपी के डाय से नहीं आएगी। उसको आपको सिलिकॉन का डाय ही डालना पड़ेगा या लेटेक्स रबर का डाय डालना पड़ेगा, लेकिन उसमें से मिट्टी की मूर्ति नहीं निकलती है। यानी इको फ्रेंडली मूर्ति बनानी है तो आपको प्लास्टर का डाय ही यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग ये सब जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए डाल रहा हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो इसकी जाड़ी इतनी है, यानी अपनी जो मूर्ति बनेगी ये इतनी जाड़ी मूर्ति बनेगी। अंदर से उसकी मिट्टी का जो लेयर रहेगा ये इतना जाड़ा रहेगा, और इतना जाड़ा मूर्ति का लेयर रहेगा तो वो मूर्ति मजबूत बनती है। इससे पतला रहेगा तो शायद नाजुक बनेगी। अभी 4 डाय हम लोग ने भर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे एक रख दूंगा। जैसे रख दिया, इसका जॉइंट जहाँ पे है उसको मैं अच्छे से दबा दूंगा।
क्लोजअप में आपको शायद दिखता है ये। बाद में उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर एक मिट्टी का टुकड़ा लगा हुआ है जो पूरे का पूरा जॉइंट के ऊपर रहेगा। अभी ये एकदम एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई है। अभी ये तीसरा पीस मैंने रख दिया है। ये जो लाइन है यहाँ पे कुछ भी चीज़ गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर रहेगा तो ये बराबर से जॉइंट नहीं हो पाएगा। जैसे ये आपको लाइन दिख रहा है बराबर यहाँ पे बैठ गया है, ये भी यहाँ पे बराबर बैठ गया है, तो ये बैठना बहुत ज़रूरी है। ये चीर आपको दिखती है, यहाँ पे जो लाइन दिखती है बराबर बैठनी चाहिए। एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये चौथा डाई मैं इसके ऊपर रखूंगा। आप देख पा रहे हो कि मैं उसको बराबर से फिट कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो लाइन है एक दूसरे में बराबर फेंकनी चाहिए, फिर तो उसको उल्टा करके नीचे से जो उसका जॉइंट है अच्छे से दबा रहा हूँ। अभी जितना अंदर से मैं उसको जॉइन कर सकूं उतना दबा के अंदर से जॉइन कर रहा हूँ। सब अंदर से देखो पूरा हॉलो है ये। इसको बॉर्डर लगाएंगे। ये जो जिसके ऊपर बापा रेस्ट होएंगे वो पार्ट उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ये मूर्ति को गणपति के टाइम में, हमारे अभी जो गणपति बापा का सीजन आ रहा है उसमें इस मूर्ति को प्रस्थापित करना चाहते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो पूजा करते समय उसको कुछ भी ना हो इसके लिए हम उसका पाठ है वो जाड़ा बनाएंगे। अपने बप्पा की मूर्ति हम लोग जब बना रहे हैं तो उस मिट्टी में गौमूत्र डालिए। अपने घर की पूजा जब आप करते हो तो उसमें से जो उदबत्ती लगाते हो आप, तो उसमें से विभूति उस मिट्टी में डाल दीजिए तो वो मिट्टी शुद्ध हो जाती है। आपका ये सब मूर्ति बनने के बाद ये बनाते समय आपके मुंह से श्री गणेशाय नमः इसका जाप भी करेंगे तो आपका मूर्ति और अच्छा रहेगा, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।
जैसे मुंह से बोलते बोलते ये मूर्ति आप करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। अभी ये होने के बाद जिसको जो पार्ट के ऊपर हमें करना है वो लेना है, बाद में यहाँ पे भी पाउडर मारनी है ऐसे। जो भी आपके पास देखो नीचे से एकदम प्लेन हो गया, इसको रख के अच्छे से दबा के अभी हम इसको निकालेंगे। गणपति बाप्पा हमारे प्रयत्नों को यश दे, ऐसी विनती करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये हमारी मूर्ति बन गई है, आप देख सकते हो इसे। अभी हम ये पीछे का डाय निकालेंगे। साइड का निकालेंगे, उस साइड का निकालेंगे। ये यहाँ पे जो होल दिखता है वो हम बाद में भर सकते हैं। थोड़ा मूर्ति का सूखने के बाद कड़क होता है, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इसको कल फिनिश कैसे करना है और ये मूर्ति बाद में कैसे दिखती है आपको पता चल जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।